गंगा नदी पर हमीद सेतु के मरम्मत का काम चल रहा है। ये सेतु गाजीपुर की रफ्तार को तेजी देता है, लेकिन फिलहाल बंद है, तो गाजीपुर की रफ्तार भी सुस्त है। अब इसके मरम्मत काम को बीरबल की खिचड़ी समझ लीजिए, या यूं समझिए कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाला किस्सा हो गया है। पुल की मरम्मत है कि पूरी होती दिख नहीं रही है। इसी क्रम में इस पुल के मरम्मत काम का निरीक्षण करने आए NHI वाराणसी के परियोजना निदेशक डॉक्टर समर बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। धीमी गति से चल रहे मरम्मत कार्य ने उनका ध्यान भी अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने टीम के साथ सेतु पर चल रहे मरम्मत काम का बारीकी से निरीक्षण भी किया। मरम्मत में जुटे संबंधित कंपनी के इंजीनियर को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक ये काम किसी भी हाल में पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम 2 शिफ्टों में दिन रात किया जाए। अब ये तो हो गई अफसर के आदेश वाली बात, देखना ये है कि आखिर इस आदेश का पालन कितना होता है। आपको बता दें कि हमीद सेतु के मरम्मत का काम पिछले 3 जुलाई से ही चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अगस्त के अंतिम सप्ताह तक मरम्मत को लेकर वाहनों का रूट का डायवर्जन किया गया है। हालांकि 41 दिन बीत जाने के बाद भी काम में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही। इधर जिले की जनता जरूर परेशान है, जो पुल पर आवागमन की बाधा का खत्म होने का इंतजार कर रही है। ऐसी ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।